अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग किस तरीके से जो ना वीडियो की जो वॉइस है, ऑडियो है, उसको बेहतर कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में। मैं उमर फ़ारूक आपको आज किस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके के साथ ऑडियो जो वॉइस है वीडियो की, वो भी प्रीमियर प्रो में किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ना आप ये देख सकते हैं कि हमने जो ना प्रीमियर प्रो को ओपन किया हुआ है और साथ में जो टाइमलाइन पैनल है ना, उसमें आप ये जो वीडियो है वो मौजूद है और साथ में उसकी जो ऑडियो है ना वो भी मौजूद है। तो सबसे पहले जो है ना आप इसकी ये जो ओरिजिनल वॉइस है ना वो सुन लीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये जो है ना कैसी वॉइस है। ठीक है, तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग किस तरीके से जो है ना बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में, या फिर जो है ना आप ये कर सकते हैं कि जो पिक्चर है, तो ये जो है ना ओरिजिनल वॉइस है, ठीक है, जो मैंने रिकॉर्ड की है। तो दोबारा से जो है ना आप ये देख सकते हैं कि जो प्रीमियर प्रो है वो ओपन है और वही जो ऑडियो और जो वीडियो है वो मौजूद है। तो मैं इस तरह करूँगा, सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको जो है ना अनलिंक कर दूँगा। अनलिंक करने के बाद जो है ना मैं सबसे पहले तो इस तरह करूँगा कि ये जो ऑडियो है इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ये जो एसेंशियल साउंड है ना, इसके जो पैनल है ना, इसको ओपन करूँगा। अगर आपको ये जो एसेंशियल साउंड का जो पैनल है ये ना मिले, ठीक है, ये यहाँ पर आपको ना नज़र आए, तो आपने ये करना है कि विंडो के ऑप्शन में जाके यहाँ पर जो है ना नीचे आप ये देख सकते हैं कि एसेंशियल साउंड का जो ऑप्शन है ना ये मौजूद है, इसको जो है ना आपने चेक इन कर देना। ये पहले से ही चेक इन है, और अगर ये चेक इन ना हो तो आपने इसके ऊपर जो है ना क्लिक करना है और वो जो एसेंशियल साउंड का जो पैनल है ना वो ओपन हो जाएगा आपकी प्रीमियर प्रो में। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले तो इसको जो है ना एडिट के ऑप्शंस में यहाँ पे ये जो प्रीसेट है ना इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना ऑप्शंस जो है ना वो शो हो रहे हैं। तो डायलॉग के ऑप्शन में जो है ना हमने सेलेक्ट करना है डिफ़ॉल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना अब आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है ना ऑप्शंस शो हो रहे हैं। तो प्रीसेट जो है ना दोबारा से चेंज कर देते हैं और मैं कर देता हूँ इसको पॉडकास्ट वॉइस। तो ये लें जी, एक तो ये हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ जी प्ले, ताकि आपको पता चल सके कि जो पॉडकास्ट वॉइस है ना उसके ज़रिए कौन कौन सी चेंजिंग आती हैं। मैं ज़्यादातर जो है ना यही इस्तेमाल करता हूँ और इस वक्त जो है ना आप यही सुन रहे हैं, लेकिन मैं इसको प्ले कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है पहली वाली वीडियो में, ऑडियो जो है पहली वाली ऑडियो में और आपकी जो ऑडियो है ना उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग किस तरीके से जो है ना बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में, या फिर जो है ना आप ये कर सकते हैं कि जो पिक्चर है उसको आप लोग किस तरीके के साथ बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी प्रीमियर प्रो में। मैं तो ये है जी पॉडकास्ट वॉइस, जो है ना समझ आ गई आपको, आपने सुन लिया। मैं ज़्यादातर जो है ना यही इस्तेमाल करता हूँ। और जो दूसरा है ना वो क्या है, दूसरा ये है कि हम जो है ना ये जो प्रीसेट है इसमें यहाँ पर ये जो है ना पॉडकास्ट वॉइस सेलेक्ट किया गया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट को। डिफ़ॉल्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर ये जो लाउडनेस है ना इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है ना ऑटो मैच जो है ना इसको हम चेक इन करेंगे या इसको जो है ना क्लिक करेंगे। ये हो गया। इसके बाद रिपेयर, इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ये जो रिड्यूस नॉइस है ना पहले वाला ऑप्शन, इसको हम चेक इन करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जो है ना इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि जो वॉइस में जो नॉइस है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर है क्लैरिटी में डिनेमिक्स। ठीक है, डिनेमिक्स जो है ना हम इसको चेक इन करेंगे। इसको भी जो है ना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आपने अपने मुताबिक करना है। मैं इसको जो है ना सबसे पहले तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से पहले इसको रीएनालाइज कर लेता हूँ, और ये यहीं पे है तो मैं इसको थोड़ा जो है ना इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये सेट हो जाए थोड़ा सा यहाँ पे। इसके बाद नीचे है जी EQ। ठीक है, इसको जो है ना मैं चेक इन कर देता हूँ और फिर इसमें ये जो प्रीसेट है यहाँ पर है बैकग्राउंड वॉइस, मैं इसको सेलेक्ट करके जो है ना चेंज कर दूंगा पॉडकास्ट वॉइस। ठीक है, और इसके बाद इसकी अगर जो है ना आप अमाउंट इंक्रीज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं जो है ना थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ और फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे नीचे आ जी इन्हेंस स्पीच, इसको जो है ना मैं चेक इन कर देता हूँ, और चेक इन करने के बाद यहाँ पर जो टाइप है ना ये है हाई ट्यून, मैं इसको जो है ना कर देता हूँ लो टून। ठीक है ना, लो टून जो है ना वो बेस्ट रहती है, क्यों, क्योंकि हम जो है ना मेल हैं तो
तो इसलिए लौट हूँ। तो इसके बाद जो है ना नीचे मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं है करने वाला, तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको जो है ना प्ले कर देता हूँ ताकि पता चल सके कि जो हमने वॉइस में जो चेंजेस किए हैं क्या वो बेटर हो चुके हैं पहले से या नहीं। तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग किस तरीके से जो है ना बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में, या फिर जो है ना आप ये कर सकते हैं कि जो पिक्चर है उसको आप लोग किस तरीके के साथ बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी प्रीमियर प्रो में। तो इसको सुनने के बाद मुझे ये यकीन है आपको पता चल गया क्योंकि कितना ज़्यादा जो है ना फ़र्क आया है पहली वाली जो ओरिजिनल वॉइस है और इसमें जो है ना कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो इसमें जो है ना थोड़ी सी हम चेंजिंग जो है ना दोबारा से काम कर देते हैं, ठीक है, सेटिंग करते हैं दोबारा से, और ताकि हमारी जो वॉइस है ना वो इंक्रीज़ हो सके, तो बेहतर हो सके, पहले से ज़्यादा बेहतर हो सके। तो जो EQ है ना इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, और फिर जो डायनामिक्स हैं इसको भी हम कम करेंगे, और फिर जो है ना मैं दोबारा से इसको प्ले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग किस तरीके से जो है ना बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में, या यहाँ पर जो है ना मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो है ना चेंजिंग करना बेहतर होगा हमारे लिए, और यहाँ पर जो EQ है ना इसको हम थोड़ा सा जो है ना इंक्रीज़ कर देते हैं, और अब हम इसको प्ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग किस तरीके से जो है ना बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में, या तो ये है जी फाइनल, ठीक है, मैंने इसको फाइनल कर दिया। आपको भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समझ आ गई होगी इसकी कि आप लोग किस तरीके के साथ जो है ना इन्हेंस कर सकते हैं अपनी ऑडियो को, वॉइस को, वो भी प्रीमियर प्रो में वीडियोस के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए। जाने से पहले जो है ना मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मौसूल हो सके। इसके अलावा जो है ना आप लोग जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें कि आपकी राय क्या है, कि मेरी जो वीडियो है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद आई है नहीं आई है, आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे वो बताया करें। और आखिरी गुजारिश यही है कि अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं आपको वीडियोज़ के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना वो देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।